हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। दिस इज जनरल नॉलेज ऑफ लेवल थर्ड एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 18। द नेम ऑफ द लेसन इज पॉपुलर ब्रांड्स लोगो। पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध, ब्रांड ब्रांड होता है, लोगो होता है कोई चिन्ह। तो आज इस लेसन में हम कुछ पॉपुलर ब्रांड लोगो के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ब्रांड लोगो क्या होता है? इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ब्रांड होता क्या है। तो ब्रांड जो होता है ये कोई भी व्यापारिक, व्यापारिक मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस साइन होता है जिसके माध्यम से जो कस्टमर होते हैं वो किसी प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पर लोगो लगा हुआ नहीं है, ब्रांड लगा हुआ नहीं है, ब्रांड नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि वो जो प्रोडक्ट है जो हम खरीद रहे हैं वो नकली है, वो उस ब्रांड का है ही नहीं जिस ब्रांड का हम खरीदना चाहते हैं। और जो ब्रांड होता है ये किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंपनी से अलग करता है। मतलब जैसे हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल का डाबर का है, और भी बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में। तो अगर हमें डाबर का ही खरीदना है तो हमें उसको देखना पड़ेगा, अगर दूसरा है कोई तो फिर वो बेकार है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो केवल डाबर का ही खरीदना है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे नकली ब्रांड भी होते हैं, मतलब नकली भी बने हुए होते हैं, ब्रांड की कॉपी बना देते हैं लेकिन वो वास्तव में वो चीज नहीं होती है, वो प्रोडक्ट नहीं होता है जो हमें वास्तव में चाहिए होता है। इस लेसन को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही हमें कमेंट कर ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सो लेट्स बिगिन द लेसन। ब्रांड इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी अंडर ए पर्टिकुलर नेम। ब्रांड क्या है? एक तरीके का प्रोडक्ट होता है जिसको कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसका कोई पर्टिकुलर नाम भी रखा जाता है। We use a number of things of different brands every day. हम प्रत्येक मतलब रोज प्रतिदिन की लाइफ में हम अलग अलग ब्रांड्स की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं यूज करते हैं। इस लेसन में कुछ ब्रांड दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, ब्रांड को उनके नाम से मैचिंग करना है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये एक लोगो है, एक ब्रांड है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड है, ये किस कंपनी से रिलेटेड है और ये कंपनी क्या प्रोडक्ट तैयार करती है। ये हमें बाकी ब्रांड भी दिए गए हैं, तो इसी तरीके से हमें उनको आइटम से मैच करना है जिससे वो रिलेटेड है। जैसे कि फर्स्ट है ये ए, इसमें दिया है अमूल, तो अमूल जो है ये किस चीज का ब्रांड है? जो अमूल है वो बटर का ब्रांड है, बटर है, दूध है, मिल्क वगैरह का एक ब्रांड है। नेक्स्ट वन है, ये भी एक ब्रांड है, और ये किस चीज का ब्रांड है ये आप हमें बता सकते हैं। दिस इज अ ब्रांड ऑफ ए कार, एक कार का ये ब्रांड है। नेक्स्ट वन, गूगल। अब आप सभी इंटरनेट तो यूज करते ही होंगे, मोबाइल फोन यूज करते होंगे, तो जैसे ही आप मोबाइल फोन में गूगल ओपन करते हैं तो आपके सामने एक सर्च इंजन आ जाता है जहां से हम सर्च करके कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी हमारे हमसे मतलब जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें सर्च करना है द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो हम सर्च इंजन पर जाएंगे और वहां पर टाइप कर देंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जो सर्च इंजन होता है वो हमारे सामने कंप्यूटर की डेफिनेशन ले आता है। तो ये क्या है, दिस इज अ सर्च इंजन, गूगल। नेक्स्ट वन, आप देख पा रहे हैं आप सभी लोग चॉकलेट तो खाते ही हैं, तो आप इसको आसानी से बता भी सकते हैं ये किस चीज का ब्रांड है। आपने डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाई होगी, खाते होगे, और भी बिस्किट वगैरह भी आते हैं, तो ये है कैडबरी जो कि चॉकलेट का एक ब्रांड है। अब हम दूसरे साइड चलते हैं, ई नंबर पर। ई नंबर पर दिया है एक पेड़ बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है डाबर, तो जो डाबर है
वो किस चीज का ब्रांड है? वो है हेयर ऑयल का। जो डाबर कंपनी है वो हेयर ऑयल बनाती है। नेक्स्ट वन, दिस इज, ये इस पर लिखा हुआ है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड किससे रिलेटेड है ये? दिस इज अ डेबिट कार्ड। ये एक डेबिट कार्ड है। अब हम नेक्स्ट ब्रांड की तरफ चलते हैं। आपने सिस्टम ओपन किया होगा कभी, तो जो जब हम सिस्टम ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक टास्क बार आती है जिसमें ये साइन हमें मिलता है। तो ये किस चीज का साइन है? ये एक तो स्टार्ट बटन का है। दूसरा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दूसरा, ये रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, विंडो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है? ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ब्रांड है। नेक्स्ट वन, ब्रिटानिया। आपने ब्रेड, आपके घर में ब्रेड आते होंगे और इसके अलावा बिस्किट वगैरह आते होंगे। तो ये जो कंपनी है ब्रिटानिया जो कंपनी है, ये बिस्किट और ब्रेड आदि प्रोडक्ट करती है, बनाती है। तो ये जो ब्रांड है ये किससे रिलेटेड है? ये बिस्किट से रिलेटेड है। इसके अलावा एक पॉइंट है पैक्टूनो कन्फेक्शनरीज, कन्फेक्शनरी ब्रांड कैडबरी इंडिया चेंज इट्स नेम बाय मोंडेलेज इंटरनेशनल। एक कंपनी है जिसका नाम कैडबरी इंडिया था पहले, इसने अपना नाम बदलकर मोंडेलेज इंटरनेशनल रख लिया था। कब रख लिया था? 2014 में रख लिया था। एक बार फिर से हम इसको मैचअप कर देते हैं। देखिए, अमूल जो ब्रांड है वो बटर का है। ये जो साइन दिया गया है ये कार का एक ब्रांड है। गूगल सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन का लोगो है, ये ब्रांड है। कैडबरी, ये जो साइन है, जो सिंबल है, ये जो ब्रांड है ये एक चॉकलेट का ब्रांड है। और जो डाबर है, ये वाला जो ब्रांड है ये हेयर ऑयल का है। और ये जो ब्रांड है ये डेबिट कार्ड का है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ब्रांड है। और ये ब्रिटेनिया जो है ये बिस्किट्स का ब्रांड है। तो ये था आज का लेसन। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके अलावा आप जो ब्रांड है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है ब्रांड के बारे में, ब्रांड क्या होता है, या कोई भी बात आपको पूछनी हो तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।